नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोधपुर मंडी के ग्वार के ताजा भाव। तो ग्वार भाव में आज जोधपुर मंडी में एकदम आया उछाल देके आज ताजा भाव। इसके साथ ही आज हम जोधपुर मंडी के अनाजों की बात करने वाले हैं। रायडा, ग्वार, सरसों, तिल, मूंग, मोठ, जीरा, गेहूं, सौंफ आदि अनाजों का ताजा भाव विस्तार से। जोधपुर मंडी में आज ग्वार गम भाव रहा है 13,750 रुपए प्रति क्विंटल और ग्वार का भाव रहा है 6,475 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। मंडी में आवक और अनाज बोली भाव अभी लगातार जारी है। आज आवक अच्छी चल रही है, तेजी मंदी रिपोर्ट वीडियो के लास्ट तक देखें। किसान साथियों, आज जोधपुर मंडी में अनाज भाव सुबह की बोली में ग्वार में 250 रुपए की तेजी बताई जा रही है। इसबगोल का भाव आज अधिकतम 24,150 रुपए और जीरे का भाव 57,150 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है। किसान साथियों, अलग अलग जिनसों की बात करें तो आज जोधपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2200 रुपए प्रति क्विंटल, मेथी का भाव रहा 6,800 रुपए प्रति क्विंटल, धाना का भाव रहा 7,300 रुपए प्रति क्विंटल, रायडे का भाव रहा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल, जीरे का भाव रहा 57,150 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही दोस्तों, मूंग का भाव रहा है 7,250 रुपए प्रति क्विंटल और तिल का भाव रहा 14,300 रुपए प्रति क्विंटल। पीली सरसों का भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव रहा है 6,475 रुपए प्रति क्विंटल, चना का भाव रहा 4,900 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए प्रति क्विंटल, मोठ का भाव रहा 6,450 रुपए प्रति क्विंटल, तारामीरा का भाव रहा 5,300 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, इसबगोल का भाव रहा 24,150 रुपए प्रति क्विंटल, सौंफ का भाव रहा 23,400 रुपए प्रति क्विंटल। किसान साथियों, आज मंडियों में मांग और बोली अभी भी जारी है, इसलिए मंडी भाव में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। सटीक भाव के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और कमेंट बॉक्स में अपनी मंडी का नाम दर्ज कर दें ताकि अगली वीडियो में आपकी मंडी की फुल इन्फॉर्मेशन दी जाए। वीडियो को प्यारा सा लाइक करने के साथ साथ किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी सही और सटीक जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी खबर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।